देखिए, ये जो नई सरकार आई है इसने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं आम जो गरीब जनता है उसको लूटने के, डीमोनेटाइजेशन से शुरू करके, और हम अब ये देख रहे हैं कि जो पूरे बैंक चार्जेस का एक नया खेल शुरू हुआ है पिछले साल भर से या उसके आसपास से, जो पूरा हिंदुस्तान की जो पूरी वेल्थ है उसमें ज़्यादातर जो है 1% लोगों के ऊपर है, वही हैं जो रिचेस्ट हैं, सारी वेल्थ भी उनके पास है, और जितने भी अगर हम NPA देखें बैंक्स के तो वो भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए हुए हैं। तो बजाय इसके कि उनसे लोन्स वापस निकाले जाएं या उनको टैक्स किया जाए, सरकार ने ये तरीका ढूंढा कि बैंक चार्जेस शुरू कर दिए जाएं। तो आपका मिनिमम बैलेंस अगर नहीं है बैंक में तो उसका पैसा कटता है, अगर आप बैंक से पैसा 2 या 3 बार से ज़्यादा ट्रांसफ़र करें तो उससे पैसा कटेगा, अगर आप डेबिट कार्ड ज़्यादा यूज़ कर लें तो उससे पैसा कटेगा, अलग अलग तरीके से पैसा कट रहा है। अब ये मिनिमम बैंक बैलेंस जो है किसका होता है, वो अंबानी अडानी का तो नहीं होता, वो तो जाहिर है मिनिमम बैलेंस जो है वो एक गरीब आदमी का होगा, एक स्टूडेंट का होगा, एक फार्मर का होगा, एक महिला का होगा जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है। तो गरीब आदमी से जो ऑलरेडी पॉपराइज्ड है उसको और उससे फ्लीस किया जा रहा है पैसा, और उसमें करोड़ों रुपया जो है वो गरीब आदमी का इस सरकार ने निकाला है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ऊपर NPA है तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए गरीब आदमी जो है उससे पैसा बेईमानी से निकाला जा रहा है, ये बिल्कुल धोखाधड़ी जिसे कहते हैं उससे पैसा निकाला जा रहा है। और ये हमारी डिमांड है कि बैंक चार्जेस जो भी पिछले साल में लगाए गए हैं इनको फौरन ख़त्म किया जाए और गरीब आदमी को और गरीब होने से बचाया जा सके।